हेलो फ्रेंड्स, जावास्क्रिप्ट की एडवांस कंपोनेंट की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं जे टूल टिप के बारे में, जिसमें हम सीखेंगे व्हाट इज अ टूल टिप एंड टाइप्स ऑफ टूल टिप इन जावा एंड हाउ टू यूज जे टूल टिप इन जावास्क्रिप्ट। ओके, तो वीडियो को लास्ट तक देखना और पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो में मैंने जे टूल टिप को पूरा कवर किया हुआ है, जिसमें मैंने एक एक बात बताई हुई है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपसे कोई भी चीज़ मिस ना हो पाए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं जे टूल टिप होता क्या है। सो अ टूल टिप इज अ मैसेज दैट अपीयर्स व्हेन अ कर्सर इज पोजिशनड ओवर एन आइकन, इमेज, हाइपरलिंक और अदर एलिमेंट इन अ जीयूआई। चलिए इसे थोड़ा समझ लेते हैं। उसके लिए मैं आपको अपने पीसी के माय कंप्यूटर में विंडो में ले जाता हूँ। तो जैसे ही मैंने माय कंप्यूटर पर क्लिक किया, ठीक है, तो आप देखेंगे मेरे पास ये विंडो खुल के आई है, जिसमें कुछ फोल्डर्स हैं, कुछ ड्राइव्स हैं और कुछ यहाँ आइकन्स बने आ रहे हैं। ठीक है, तो ये जितने भी एलिमेंट मुझे शो हो रहे हैं, इनमें से किसी पर भी मैं जैसे माउस को ले जाता हूँ, जैसे मैं यहाँ अपनी ई ड्राइव पर माउस को ले जाता हूँ, ठीक है, तो आप देखेंगे कि एक पॉपअप मैसेज शो हुआ जो मुझे बता रहा है कि इस ड्राइव के अंदर 31 GB ऑफ स्पेस फ्री है। ठीक है, और इसी तरह से जैसे मैं वीडियोस फोल्डर पे माउस को ले जाता हूँ, तो इस पर भी आप देखेंगे कि एक पॉपअप मैसेज शो होता है जो मुझे बता रहा है कि इस फोल्डर के अंदर वीडियो और मूवीज़ रखी गई हैं। ठीक है, ऊपर एक ओपन कंट्रोल पैनल का आइकन है, जिस पे अगर मैं माउस को ले जाता हूँ तो उसके बारे में भी एक पॉपअप मैसेज शो हो जाता है जो मुझे बताता है कि ये ओपन इस आइकन पर क्लिक करने से क्या होता है। ठीक है, तो ये जो पॉपअप शो हो रहा है, ये बेसिकली क्या कर रहा है कि ये मुझे इस एलिमेंट की इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो इसे ही हम टूल टिप कहते हैं, क्योंकि ये जितने भी आइकन हैं ये हमें उनके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, सो अ टूल टिप इज अ मैसेज दैट अपीयर्स व्हेन अ कर्सर इज पोजिशन ओवर एन आइकन, इमेज, हाइपरलिंक और अदर एलिमेंट इन अ जीयूआई। जब हम किसी भी जीयूआई एप्लीकेशन के अंदर किसी आइकन, इमेज, हाइपरलिंक और या किसी अदर एलिमेंट के ऊपर जब हम माउस ले जाते हैं ना, तो जो मैसेज होता है वो टूल टिप उसे कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। ये हमारा एक टूल टिप का एग्जांपल है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो आगे देखते हैं, इस वीडियो में मैं आपको तीन तरह की टूल टिप क्रिएट करना सिखाऊंगा। पहला है सिंगल लाइन टूल टिप, सेकंड वन इज़ मल्टी लाइन टूल टिप एंड थर्ड वन इज़ फॉर्मेटेड टेक्स्ट टूल टिप, जिसे हम कस्टमाइज टूल टिप भी बोलते हैं। तो चलिए इसे प्रोग्राम के जरिए समझेंगे। चलता हूँ नेटबीन्स में और यहाँ मैं एक न्यू क्लास ले लेता हूँ। इस क्लास को एक्सटेंड कर देंगे जे फ्रेम से। ओके, चलिए अभी क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो फ्रेम का लेआउट जो होता है वो बॉर्डर लेआउट होता है, तो मैं उसे चेंज करके नल लेआउट कर देता हूँ। चलिए अभी क्या करता हूँ, क्योंकि मुझे एक पासवर्ड फील्ड लेना है, पासवर्ड के लिए एक टेक्स्ट फील्ड चाहिए तो, और एक उसके लिए लेवल चाहिए, तो सबसे पहले मैं लेवल ले लेता हूँ, जे लेवल। ओके, चलिए अभी एक बार इसे रन करके देख लेते हैं। ओके, तो इस तरह का आ रहा है, लेकिन अभी आप देखेंगे कि मैं अगर इस पासवर्ड फील्ड पर माउस को ले जाता हूं तो अभी कुछ मुझे मैसेज शो नहीं हो रहा, टूल टिप मतलब हमें शो नहीं हो रही। क्यों शो नहीं हो रही? क्योंकि अभी हमने उसे कॉल नहीं किया है। तो टूल टिप के लिए, टूल टिप शो कराने के लिए मुझे
एक मेथड कॉल करना पड़ेगा pwd.setToolTip टेक्स्ट, इसे कॉल करेंगे तो आपको जो टूल टिप है वो शो हो जाएगा। तो इसमें हमें जो भी शो कराना है टेक्स्ट वो इसमें पास कर देंगे। तो हम यहाँ अभी के लिए एंटर योर पासवर्ड शो करा देते हैं। ओके चलिए अभी देखिए, जैसे ही मैं इस माउस को पासवर्ड फील्ड के ऊपर ले जाता हूँ तो आप देखेंगे कि हमारी जो टूल टिप है एंटर योर पासवर्ड वो शो हो रही है। ठीक है, चलिए ये तो है सिंगल लाइन टूल टिप। ओके आप देखते हैं कि मल्टी लाइन टूल टिप, जैसे एंटर योर पासवर्ड तो शो हो रहा है लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसके अलावा मैं एक और लाइन शो कराना चाहूँ कि इस ये पासवर्ड इतनी लाइन का होना चाहिए, यानी 8 कैरेक्टर लॉन्ग होना चाहिए। तो उसे शो कराने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ एक इस लाइन से पहले एक स्ट्रिंग बना लेता हूँ str करके, ठीक है, जिसमें मैं और इस स्ट्रिंग को इसमें पास कर देंगे। तो इस स्ट्रिंग में जो भी मुझे शो कराना है वो हम यहाँ लिखेंगे। बेसिकली अभी क्योंकि मल्टी लाइन मुझे शो करानी है तो उसके लिए, मल्टी लाइन के लिए मैं यहाँ स्लैश एन का यूज़ नहीं कर सकता। ठीक है, तो मल्टी लाइन का यूज़ मतलब मल्टी लाइन शो कराने के लिए मुझे यहाँ HTML कोड का यूज़ करना पड़ेगा। तो अगर आपको HTML आती है तो आप अच्छे से समझ जाएंगे, और नहीं आती तो भी कोई बात नहीं, जैसा मैं लिखता हूँ आप ऐसा लिख देना। ठीक है, तो मल्टी लाइन के लिए हम के सबसे पहले तो HTML कोड लिखेंगे। तो उसके लिए मैं HTML स्टार्ट और HTML टैग एंड कर देता हूँ। ठीक है, HTML स्टार्ट और HTML क्लोज। ओके ये रहा HTML स्टार्ट और ये है HTML क्लोज। ठीक है, देन हमें यहाँ लिख देनी है अपनी जो भी लाइन लिखनी है। सो एंटर योर नेम, ये हमारी फर्स्ट लाइन होगी। एंटर योर पासवर्ड, ठीक है, एंटर योर पासवर्ड। एंड देन सेकेंड लाइन लेनी है, क्योंकि इसलिए हम यहाँ ब्रेक टैग लगा देंगे जैसे कि HTML में होता है। जावा में हम स्लैश एन लगाते हैं लेकिन HTML में ब्रेक टैग लगाते हैं। ठीक है, चलिए देन एक और लाइन लेंगे और दूसरी लाइन लिख देंगे, है ना। तो पासवर्ड शुड बी एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स लॉन्ग। ओके चलिए अभी मैं राइट क्लिक करके रन करता हूँ। और अब देखते हैं, हमें जैसे ही मैं इस माउस को इस पर ले जाता हूँ तो आप देखेंगे कि मेरी दो लाइंस हो रही हैं, एंटर पासवर्ड एंड पासवर्ड शुड बी 8 कैरेक्टर्स लॉन्ग। ठीक है, चलिए एक बार और। ओके तो हमने सिंगल लाइन देख लिया, मल्टी लाइन देख लिया, यानी दो लाइन शो करा के देख ली और टूल टिप में। अब रह गया है कि इस जैसे ये शो हो रहा है इसे मैं फॉर्मेट कैसे करूं। जैसे अभी बैकग्राउंड में नीला कलर आ रहा है, ठीक है, ब्लू कलर आ रहा है, और फोरग्राउंड में ब्लैक कलर आ रहा है। तो इसकी फॉर्मेटिंग चेंज कैसे करें, मतलब मैं इसके थोड़ा चेंज करना चाहता हूँ लुक। तो उसके लिए भी हमें अगेन HTML कोड का यूज़ करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ मैं क्या करूँगा, इन दोनों को थोड़ा कलर दूँगा ताकि ये अच्छे से शो हो जाए। ठीक है, तो इन दोनों को टिप टैग के अंदर रखेंगे हम। ठीक है, और यहाँ मैं टिप टैग को क्लोज कर दूँगा। ओके तो अभी मैं क्या करूँगा, इस टिप टैग में दो प्रॉपर्टी दूँगा, एक तो कलर प्रॉपर्टी, एक बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी। ठीक है, तो bg कलर, इससे हमारा कलर सेट होगा, और दूसरा होगा कलर।
ये हमारा बीजी कलर से बैकग्राउंड सेट होगा और कलर से फोरग्राउंड सेट होगा, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ मैंने कलर कोड लिए हुए हैं, तो पर्पल कलर में बैकग्राउंड में रखूँगा और वाइट कलर में फोरग्राउंड यानी टेक्स्ट का कलर रखूँगा, ठीक है, वाइट कलर। चलिए तो अभी मैं राइट क्लिक करके रन करता हूँ। चलिए तो अभी आप देखेंगे कि जैसे मैं इस पर माउस को ले जाता हूँ तो आप देख सकते हैं जो हमारी फॉर्मेटिंग है वो चेंज हो गई है और बैकग्राउंड और फोरग्राउंड का कलर चेंज हो गया है। तो ये तो मैंने अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लिया, लेकिन आप ये ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसा ही कलर चेंज करें, आप इसकी कुछ और भी फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं। जैसे जैसे कि क्या है, आप इसे H2 हेडिंग दे सकते हैं, ठीक है, इसे जो भी मतलब HTML में होता है उसे आप यहाँ दे सकते हैं। जैसे मैंने इसे H2 हेडिंग प्रॉपर्टी दे दी, ठीक है, तो आप अब देखेंगे कि अब ये इस तरह का शो हो रहा है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और तीनों जो टूल टिप हैं वो आपको अच्छे समझ में आई होंगी। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है,